मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी का दिन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं सीधा आमेर जाके, बट पहले रास्ते में मैं कुछ ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। तो चौकी डानी अभी खुली नहीं है, चौकी डानी जाना है, शाम तक का वेट करना पड़ेगा। तो अभी कहीं और चलते हैं। I'm on my way to Amir Fort और जल महल, बट इससे पहले कुछ खा लेता हूँ रुक के बीच में। और यह है दाल बाटी चूरमा रेस्टोरेंट और राजस्थानी फूड। अभी मैं अंदर आया और मैंने ऑर्डर तो दे दिया, बट आई डिडंट लाइक द प्लेस। वैसे मतलब मुझे खाने से राजस्थानी खाना है, क्योंकि अभी चौकी डानी खुला नहीं है, वो इवनिंग में खुलेगा। बट अभी फिलहाल इधर दो थाली ऑर्डर किया था, एक कैंसिल कर दिया, एक ही खा रहा हूँ। तो इसके बाद आई माइट गो टू कबाब एंड करी, वहाँ पे इंडियन खाना मेरे को। What do you think? Yeah, it's nice, but not good. जैसे बाहर से दिख रहा था, अंदर से बाहर से कुछ और लग रहा था, अंदर से कुछ और है। तो अभी जिधर खाने जाना है दोबारा कबाब एंड करी, आई थिंक वहीं पे जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं जाऊंगा जलमहल, थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना ओके था अभी जहाँ पे मैंने खाया दाल बाटी चूरमा, बट चाय बड़ी खतरनाक थी। चाय वॉज रियली गुड। आगे नहीं है आगे नहीं पार्किंग आगे नहीं पार्किंग बट सर आगे तो पार्किंग है नहीं, रोड पे लगाना पड़ेगा, पुलिस वाले का डायरेक्ट कर दिया है। ये गवर्नमेंट है, फ्री है आप लोगों के, 5-10 मिनट, 1-2 घंटा आराम से देखो। और राइट, सो गाड़ी पार्क कर दी है और अब जा रहा हूँ मैं सीधा हवा मिल की तरफ, मेरे साइड में बिल्कुल। और जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो काफ़ी सारे बाइक वाले आए, वो मुझे पता लगा कि फोर्ट के लिए गाइड के लिए बोल रहे थे। और जब मैं रास्ते से आ रहा था अभी, तब भी बाइक वाले काफ़ी पीछा कर रहे थे, गाड़ी के साइड में आ रहे थे। लग भी सकती है, ऑब्वियसली मैं अंदर जाऊँगा, उनका क्या जा रहा है, आई नो उनको अपना पैसा कमाना है, बट स्टिल इट इज़ वेरी अनसेफ। टाइम एट जल महल, तो और अभी वापस जा रहा हूँ मैं, तो पहले कुछ खा लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ खास करने के लिए था नहीं, मुझे बोटिंग करना था और महल के अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट एक बंदा है यूट्यूबर, वो गया है, और अगर मैं गया तो मेरी लंबे वाली लग जाएगी, सो डजंट मेक एनी सेंस। तो वापस जा रहा हूँ अभी मैं, और बोटिंग करने के लिए उस कॉर्नर में है और एंट्री इस कॉर्नर से है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओह मैन, आज जयपुर में कुछ ओवर करनी है, गाड़ी धूप में खड़ी थी और लग गई। आधे घंटे से होटल बुक करने की सोच रहा हूँ, और ये कि एयरटेल का नेटवर्क है दिल्ली में तो चलता ही नहीं है, छोड़ो मतलब अगर तुम हाईवे पे रोड पे भी खड़े हो जाओगे ना किधर भी लेके, तो एयरटेल चलेगा नहीं। और अभी भी लिटरली लोड हो रहा है सब कुछ, कोई भी आप चला रहे हो सिर्फ लोड हो रहा है, आधा घंटा हो गया। एग्जैक्टली मुझे 2 घंटे लग गए होटल ढूंढने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ एयरटेल का नेटवर्क। गोवा भी वो लोड हो रहा था ना, मेक माई ट्रिप 3 महीने से कर रहा हूँ, बट नॉट एनी मोर, अभी से ज़्यादा नहीं चल सकता एयरटेल को मैं, तो जियो, मे बी जियो और इधर वोडाफोन आई गेस। सो गो द होटल रूम, और होटल का नाम है, होटल का नाम क्या है यार, इंडो प्राइम, होटल इंडो प्राइम। यहाँ पे एक डबल बेड है and there's this single bed also, but yeah, it's cool, very spacious. And one thing I love is this working desk. Agar ye room mein nahi hota to kaam nahi ho pata properly. I don't like working from bed, so yeah, so I'll get fresh aur bahar jaane ka I don't know abhi koi plan banaunga ya nahi banaunga. I'm really tired, so gonna go get a coffee first, yeah. 10 बज चुके हैं, पता नहीं 9:30 हुए हैं, लैपटॉप के सामने बैठे बैठे डाइट बना रहा था, हमें पता ही नहीं लगा, विंडो ओपन करके देखा तो भाई ये तो हो गया काम। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। Out of
bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. अभी कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि कैफे सारे बंद हो चुके हैं, तो अभी पिक्चर्स लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो मैं सुबह आके दोबारा पिक्चर्स लूंगा. अभी फिलहाल कुछ खाने के लिए जाता हूँ. बट द लाइटनिंग इज ब्यूटीफुल. अभी चाय और मैगी और बनमस का. आई थिंक ये 24 घंटे ओपन है. ये टिमटिमा तो रहा है 24 घंटे वाला ओपन होगा. तो जिन अंकल का ये कुल्लड़ द टी कैफे है, अब स्वीट है, बहुत काफी स्वीट है. क्योंकि अभी मैं जब ऑर्डर दे रहा था, मैंने अंकल को बोला अंकल दो चाय, एक बनमस का और दो मैगी. और तभी एक साउथ इंडियन बंदा आता है, तो वो बोलता है अंकल मेरा एक इडली और एक कोल्ड कॉफी. तो अंकल ने मेरे पैसे काट के उसको दे दिए, उसके पैसे काट के मेरे को दे दिए. तो मैंने अंकल को दोबारा बोला ऑर्डर दिया, फिर अंकल ने बोला ओके लिख लिया. लिखने के बाद भी अंकल ने मेरा ऑर्डर उसको दिया, उसका ऑर्डर मेरे को दिया, फिर दोबारा स्विच किया. आई नो काफ़ी भीड़ होती है इसलिए हो जाता है थोड़ा स्विच. और कल का दिन काफ़ी हेक्टिक जाने वाला है क्योंकि मैं सुबह अराउंड 5 बजे उठूंगा. सबसे पहले जाऊँगा हवा महल, वहाँ पर मेरे को मॉर्निंग शॉट लेना है. उसके बाद आमेर फोर्ट, उसके बाद एक और फोर्ट है वहाँ भी जाना है. एंड देन उसके बाद सिटी पैलेस, सिटी पैलेस के बाद एक कुंड है कोई जहाँ पे वाटर स्टोर है और वहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती हैं, तो वहाँ पे भी जाना है. नाम है उसका भूल गया कुछ. तो अभी खाने पीने के बाद जाके ब्लॉग एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना ना क्या खतरनाक आपको विजुअल्स मिलने वाले हैं. सो आई एम एक्साइटेड. तो अभी चाय आती है, वेट करते हैं. मस्त बिजनेस है चाय और बनमस का.